तो आज मैं जो कहने जा रहा हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया होगा, क्योंकि ये है अल्टीमेट चैलेंज ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। ये चैलेंज को करते हुए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को खेलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जो महान लोग होते हैं उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को सारे लोग कुछ इस तरह खेलते हैं, लेकिन ये सबसे ईजी तरीका इसको खेलने का। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं वो होगा सबसे हार्डेस्ट वे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को खेलने का। लेकिन चलो सबसे पहले हम इजी काम कर लेते हैं। देखो सब्सक्राइब बटन होता है, बहुत इजी है, बस दबाना होता है, तुम सब्सक्राइब कर लोगे, मुझे दिल के खुशी ले लोगे, बहुत इजी है। और बेल का नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, बस हो गया, पत गया, सबसे इजी काम है ये, दुनिया का सबसे इजी काम है। लेकिन अब हम आते हैं इस दुनिया के सबसे हार्ड काम पे, हम खेलेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को कुछ इस तरह। मैं सच्ची बताऊं, मैं मोहल्ले की गली जो होती है ना, वो लग रहा है भाई क्रॉस फायर मैप, भाई कितना पतला हो गया है पूरा मैप। तो देखो इसके अंदर बंदों को स्पॉट करना सबसे हार्ड काम, इसके अंदर भाई जो सेंसी है ना पूरी बिगड़ी हुई है, मतलब एम करना सबसे हार्ड काम। और ऊपर से मैं एक जायरोस्कोप प्लेयर हूं, और जिसको नहीं पता तुम इस तरह खेल के जायरोस्कोप को अच्छे से यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर हम सीधी सच्चाई की बात करें तो इसको खेल के बंदों को मारना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों मेरा नाम है अबू, हम खेलेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी को कुछ इस तरह। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी केडी और रैंक के पॉइंट को गिराने की। उसके आगे मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो मैं मास्टर टू पर पहुंच चुका हूं बहुत मेहनत कर करके। तो चलो अपनी मेहनत को पानी ढोल देते हैं। लोग YouTube के लिए क्या क्या कहते हैं, मतलब भाई अपनी केडी और रैंक के पॉइंट कौन गिराता है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी पहली गेम। लेकिन क्या मैं इसके अंदर क्लॉ खेल सकता हूं? अगर क्लॉ खेलने लग जाऊंगा ना, मेरे को बंदे पहले तो दिख ही नहीं रहे, लेकिन इसके बाद तो और भी नहीं दिखने वाले, हमको थम से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा पहला मैप है समिट। उससे पहले मैं चेतावनी दे दूं, इसको ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और अपना मोबाइल तोड़ देंगे। उससे बेहतर तुम किसी बेवकूफ यूट्यूबर को फॉलो करो, उसको सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो जो ऐसी चीजें करता हो। अब तुमको दिखने वाला है सबसे प्रो लेवल का गेम प्ले, मतलब तुमको ऐसा गेम प्ले किसी का नहीं देखने को मिला होगा आज तक, तो भाई देखते रहो बस इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मुझे अपने गेम प्ले के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं सच्ची बताऊं 100 में से एक बार फ्लैग लेता हूं जब मैं नॉर्मली खेलता हूं, लेकिन हम अभी अलग टाइप के प्लेयर बन चुके, तो हमको चुप अभी इधर खाली मेरा स्प्रे देखो तुम लोग, स्प्रे मतलब भाई बंदे ने तो मेरे को हैकर समझ लिया होगा, मतलब उसको मारने का मैंने बिल्कुल मौका तक नहीं। गाइस देखो मैं बिल्कुल भी बेकार नहीं खेल रहा हूँ, बहुत बढ़िया खेल रहा हूँ, मतलब मैंने बंदों को मारने का मौका तक नहीं दिया। मैं इतना बढ़िया खेला था कि मैं न्यूक के बहुत ज्यादा करीब था, मतलब बहुत ही बढ़िया खेला था मैं इतना बढ़िया खेला था कि जब मेरे को एक किल मिला तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई जितनी मुझे कभी नहीं हुई थी। मैं इतना बढ़िया खेला था कि पूरा राउंड के अंदर मैंने सिर्फ एक किल लिया, और फिर मैं पूरी गेम में हजार बार मरा हूं। लेकिन सबसे बढ़िया वाली क्लिप दिखाता हूं मैं तुमको, फिर मेरे मन में ये वाला गाना बज रहा था। मैं यहाँ पे हार मान चुका था, लेकिन बाद में मुझे ब्रूस ली की बात याद आई, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। और बाय द वे मैंने सिर्फ एक किल किया पूरी गेम में, और अच्छी खासी टीममेट की बदवाई भी ली है। लेकिन फिर मैं गया ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और उधर मुझे शक होने लग गया खुद पे कि मैं इतना बेकार कैसे खेल रहा हूँ। पर देखो सिंपल सी बात है, हम मोबाइल को सीधा रख के खेले तो उधर ज्यादा उसको अच्छे से काम नहीं करता है। लेकिन उसके बाद भी मैंने दिन रात मेहनत की, अपने सेंसिटिविटी को मैं बदलता गया, और फिर मैं ट्रेनिंग करता गया, और उसके बाद मेरा एम बहुत ही बढ़िया हो गया। फिर रिकॉल को मैं बहुत ही इजीली कंट्रोल करने लग गया था, और फिर वो वक्त आ गया जहां मैंने प्रूफ किया कि मैं कितना बेहतर बन चुका हूँ। मुझे अपने ओपोनेंट के ऊपर दया आने लग गई कि मैं उनकी क्या हालत करने वाला हूँ इस वाली गेम के अंदर। और भाई मैं एक दो नहीं भाई 5-6 न्यूक साथ में मार दूंगा इस वाली गेम के, मारूंगा मैं आज, मैं गेम के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ, मतलब 5-6 जितने मार सकता हूँ उतने न्यूक मार। भाई बटन काम नहीं करा, और यहाँ बंदा मेरे मुंह के आगे नाच रहा है। आधे घंटे के बाद मैंने उसको स्पॉट किया, और जब मैं उसको मारने गया वो भाग गया कवर के अंदर। और भाई मेरा पता नहीं कैमरा किधर फिर रहा है, मतलब शूट नहीं हो रहा है भाई। लेकिन मुझे पता था कि मैंने कितना ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर अपना खून पसीना बहाया है, मैंने वहाँ दिन रात मेहनत की, अपने एम को बढ़िया बनाया है। तो अब तुम मेरा सिर्फ गेम प्ले देखो, मैं यहाँ पे 1-2 नहीं 3-4 नहीं बल्कि 10-15 न्यूक मार दूंगा इस अकेली गेम के अंदर। यहाँ पे मैं इतना बढ़िया खेलने लग गया कि एनिमी को मुझे गोलियां टच तक नहीं हो रही है, मतलब इतना बढ़िया खेलना कि तुम लोगों को मुझसे कुछ सीखना चाहिए भाई, मेहनत क्या होती है देखो। ओ भाई बटन क्यों नहीं काम कर रहा है भाई, क्लोट वाले खुद नहीं चाहते कि मैं न्यूक मारूं। अभी खाली मैं गेम प्ले देखो तुम लोग, और अभी मैं सबको ऐसा मारूंगा ना कि भाई सामने लोग सोचेंगे कि मैं हैक करूं, मतलब रो देंगे वो। लेकिन फिर मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी, यहाँ पे मैंने इतना बढ़िया खेलना चालू कर दिया कि सामने वाली टीम ने रहम की भीख मांगनी चालू कर दी थी, क्योंकि उनको पता लग गया था कि अब हम खत्म है, अबू ने अपना गेम चालू कर दिया है, अब हम खत्म है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। वो मेरे पांव पड़ रहे थे कि भाई हमें छोड़ दे छोड़ दे। ओ भाई जी कैसे बंदे क्यों नहीं मरते,
जैसे वो लोग ने देखा कि मेरे हाथ में मैनोवर आ चुकी है तो वो लोगों ने रहम की भीख मांगनी चालू कर दी। वो लोग बोल रहे थे कि अब हमको छोड़ दे, हमें मत मा, मैं कसम से बताओ बंदे दिखते भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद मैंने 200 IQ वाला गेम खेला। देखो इसको कैब नहीं कहते, इसको कहते अपने दिमाग का पूरा यूज करना। और जब मैंने ऐसा किया तो भाई एनिमी वापस सोने लग गया, वो कहने लग गया कि अबू भाई प्लीज हमको माफ कर। भाई साइड से आके मार यार। मुझे लगता है एनिमी को पता लग गया था कि अबू को सामने से मारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको पता था कि सामने से आएगा तो पक्का मरने वाला, तो उसने पीछे से कार वाली हरकत करी। और भाई टीममेट किल चोरी क्यों कर रहा है मेरा? मतलब जब एनिमी टीम को पता लग जाता है कि तुमको सामने से नहीं मार सकती है, और यार मुझ जैसे बंदे को सामने से मारना तो इम्पॉसिबल। अभी देखो इनको मैं अपनी स्नाइप दिखाता हूँ। भाई कुछ दिख ही नहीं रहा स्कोप खुलने के बाद, कैसे करूं स्नाइप? और एक बार स्कोप ओपन करता तो फिर भाई गोली मार के ही बंद होता है। अभी इधर से एक भी बंदे को मैं हार्ट फोड़ करना जाने नहीं दूंगा भाई, एक भी बंदा यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकेगा भाई, इतनी बढ़िया स्नाइप करूंगा मैं। ये आ रहा है, गया भाई, पूरा स्कोप उसके ऊपर खोला था मैंने और अब मेरा गेम ही अटक गया। वेट, क्या जीत गए? ओ भाई जीत गए, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई, मुझे खुद पे यकीन नहीं मैं इतना बढ़िया कैसे खेला। अभी देखो मैं एक और गेम खेलता हूँ, उसके अंदर 2-3 नहीं भाई 5-6 न्यूक मार दूंगा मैं, और मैप भी देखो कितना बढ़िया लगा। मतलब भाई मैं एनिमी टीम की फाड़ने वाला हूँ। तुम लोग को क्या लगा, तुम लोग ए ले लोग हम ध्यान ही नहीं देंगे? अबे चौथी में कहता था मैं ये सारी हरकत है। और भी खाली तुम लोग गेम प्ले देखो भाई, मतलब बंदों को ना मैं भाई उनकी गोलियां मेरे को टच तक नहीं होगी, इतना बढ़िया मारूंगा मैं भाई, स्लाइड करके मुंह के अंदर घुस जा तू। अभी मैं मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करता हूँ, फ्लैग लेते टाइम हमेशा फ्री फायर मारते रहो, बंदा जिधर से आने वाला देखो भाई बंदा आ गया, मैंने इसको इजीली मार दिया। अभी मेरे सिवा इधर कोई नहीं है, लेकिन अब देखो भाई बंदे की तरह कहां से कूदा ये। और मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे को बंदे नहीं दिख रहा तो मेरे को स्कोर कार्ड कैसे दिखेगा? तो यहाँ पे मैंने अच्छे बच्चे की तरह वॉर मशीन निकाल के बी को लेने गया और अपनी टीम को जिताने गया, लेकिन बिक चुकी है सामने टीम की तरफ। भाई पूरा गेम फिक्स है यार, मेरे को हराने की पूरी पूरी साजिश चली यहाँ पे, तुम देख सकते हो साफ साफ। देखो मैं तुमको प्रूफ देता हूँ, देखो जब दूसरी बार मेरी वॉर मशीन आई और मैंने सोचा कि चलो अभी इस बार तो मैं बी ले लूंगा, तब इन लोगों ने गेम को ही बंद कर दिया। गाइस क्वालिटी वाली बिक चुकी है, मैं अब इस गेम को और नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि मुझसे ही बेकार किसी ने खेला है। मतलब क्या तुम इस बात का यकीन कर सकते तो कोई बंदा सीधा मोबाइल लग के खेल रहा है वो तुमसे बढ़िया खेलेगा? देख भाई या तो तू मेरा वीडियो देख या तो तू गेम को डिलीट कर दे। मतलब करूँ तो करूँ क्या, मैं क्लोरिटी मोबाइल बिक चुकी है, टीममेट मुझसे बेकार खेल रहा है, नहीं मैं एक काम करता हूँ मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ। बट मेरा प्रोलर के गेम पर पहले तुमको मैं प्रोलर के गेम प्ले दिखाऊँ जिससे तुम्हें पता लगेगा मैं कितना बढ़िया खेला हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं मैंने इसको कैसे मार दिया, वरना क्या बताऊँ टीम इतनी बढ़िया थी मेरे मुंह के आगे खड़ी हो जाती थी, एनिमी को पूरा ढक देती थी जिससे एनिमी मुझे इजीली मार दे। और अब ये देखो और मैं ऐसा नहीं खेलता हूँ, कभी खुद सीधा मोबाइल लग के खेल लेना भाई, पता चलेगा कितना हार्ड होता है। बाकी नॉर्मल के अंदर तो सारे बंदे प्रो ही होते हैं। तो मैंने अपनी रैंक और केडी की बिना फिकर के तुम लोगों के लिए वीडियो बनाया है। साफ साफ बोलूं तो अपनी रैंक और केडी भाई दोनों को जमीन की धूल चढ़ा दी है मैंने, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पे नए हो अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूं तुम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अबू की तरफ से बाय बाय।